सियासत में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सियासत में होते हुए अपनी सादगी, सज्जनता और कार्यकुशलता को बरकरार रखते हैं। अदरवाइज तो सियासत में आते ही जो है बहुत सारे लोगों के वो दिमाग खराब हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, विरले ही ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सियासत में सादगी को बनाए रखते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हमारे नॉलेज प्लस टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है श्रीमती गुलाब देवी जी, जो कि स्वभाव से बहुत सज्जन हैं। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, ये तथ्य और फिगर और फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है गुलाब देवी जी आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे खास कार्यक्रम में हमसे बात करने का। गुलाब देवी जी, आपसे एक सवाल जो मैं हमेशा से जानना चाहता हूँ। एक निर्धन परिवार में आपका पालन पोषण हुआ, आपके पिताजी ने, वालिद साहब ने आपको कपड़े धो धोकर एक एक रुपए जोड़ के पढ़ाया जी। तो आप आईएएस अफसर बन सकती थी कहीं, क्या चीज ऐसे कचूटा आपको कि आप राजनीति में सहयोग वश आई है, कैसे आई, ये हम जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं। गनी भाई, निर्धनता का तात्पर्य में धन से नहीं समझती हूँ। निर्धन वो है जिसके पास दिल नहीं, जिसके पास भावनाएं नहीं। मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा विशाल दिल, ऐसी प्रबल भावनाएं, जिन्होंने दिमाग में हमेशा ये रखा कि मैं, मेरी एकमात्र संतान है गुलाब देवी, और मैं उसको इस लायक बनाऊंगा कि एक वो उदाहरण बने इस समाज के लिए, क्योंकि हमारी जाति अनुसूचित जाति में आती है, धोबी जाति। और अब से मैं समझती हूँ कि 40-45 साल पहले शिक्षा का कितना बड़ा अभाव था जी। उन परिस्थितियों में मेरे पिताजी कितने बड़े दिल के धनवान रहे होंगे, दिमाग के कितने धनी रहे होंगे कि जिन्होंने मुझे MA कराया, BEd कराया, मैं प्रवक्ता बनी। उस समय तो राजनीति का मामला भी नहीं था जी। और आज मैं प्रिंसिपल हूँ। इतना ही नहीं, बिना कुछ लगाए यहाँ की जनता ने 7 बार मेरा चुनाव लड़ाया। कभी भी यहाँ की जनता ने कोई पैसा खर्च नहीं होगा, 2-2 किलो आलू जनता लेके आती है कि बहन जी ये कार्यकर्ताओं के काम में आएंगे, 10-10 किलो गेहूं का आटा लेके आती है। तो ऐसी राजनीति में 7 बार चुनाव पायकी ने मेरे ऊपर यकीन किया, कोई विश्वास ऐसा किया, और 7 ही बार टिकट दिया है और मैं 4थी बार विधायक बनी हूँ। इस बीच में जब भी मेरी पराजय हुई वो मेरे भाग्य से ही हुई। कार्यकर्ता मेरे साथ है, जी जान से साथ है, यहाँ की जनता मेरे साथ है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश विधिहार, ये ईश्वर के हाथ में है कि मैं क्यों पराजय हूँ। बहन जी, एक सवाल आपसे, इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी लगभग? मेरी उम्र 60 साल। वो क्या चीज है जो हम हमेशा देखते हैं और हमने रिसर्च भी की है कि लखनऊ से आप आई और लगातार अगर कोई भी आ गया आपके दर पे उसके साथ दौड़ी चली जाती है, आप थकती नहीं, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो मुझे जनता और कार्यकर्ताओं के प्यार और उत्साह को देखकर वो सारी शक्ति आती है। हम आपको बता दें दर्शकों को अपने कि गुलाब देवी जी के पास जो है, रहती तो ये चंदौसी में है लेकिन बरेली, मेरठ, अमरोहा, कहां कहां से फरियादी आ रहे हैं। सिर्फ एक सज्जन, सादा और लोगों की सुनने वाली फरियाद जो महिला गद्दी पर बैठी है। बहन जी, मुख्यालय चंदौसी में बनेगा ही नहीं, ये सवाल अहम, ये तो निश्चित बनेगा, चंदौसी विधानसभा में बनेगा, चाहे वो बरेली बने चाहे चंदौसी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहां बनेगा, क्योंकि यही अगर बैजोई बन जाता है तो सबसे अच्छा है। वहाँ पर आसपास की जो विधानसभाएं हैं, जो क्षेत्र है, चाहे वो गुन्नौर का हो, चाहे असमोली का हो, चाहे संबल का हो, वहाँ से पास रहेगा। और बहन जी की एक बात बहुत खास है कि मोदी जी की नीतियों से बहुत मुतासिर रहती हैं, बहुत प्रभावित हैं, और राजनाथ जी की भी नीतियों से, मोदी जी और राजनाथ जी की नीतियों को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी 2-4 आप मोदी जी की खासियत बताइए जिन लोगों को नहीं भी पता। अरे मोदी जी की खासियत इससे बड़ी क्या होगी कि पूरा राष्ट्र एक संतों के चरणों में समर्पित है। आप समझ सकते हैं जो इतने विरक्त हैं, जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि केवल हित हित है, जो सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबको साथ लेके सबका विकास करना चाहते हैं, उनके अंदर कहीं संकीर्णता है ही नहीं। इससे बड़ी
एक पूरे जगत में वो तो अवतार है भाई, वो तो मानव के रूप में आए हैं, वो तो अवतार है। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो राजा बना दिया, एक संत साधु संत को बना दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश का राजा। वाकई बहुत अच्छी नीतियां हैं बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखते रहिए नॉलेज प्लस टीवी, आज ही अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और यू कैन कैच आल्सो ऑन फेसबुक। नमस्कार, मोइन गनी, नॉलेज प्लस टीवी।